आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बड़ौदाबाजार जिला के ग्राम जमघन में बीती रात लगभग 10 से 11 बजे के दरमियान कुछ युवकों द्वारा जबरन घर में घुसकर एक युवक को उठाकर अपने मकान में बंधक बनाकर उनके हाथ पांव को रस्सी से बांधकर डंडे और बेल्ट से मारपीट कर देने का मामला सामने आया है, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जमघन के आनंद पारा निवासी आकाश कुमार के साथ किए गए मारपीट की, जहां रात 10 से 11 बजे के दरमियान कुछ युवकों ने आकाश को पूछते हुए अंदर घुस गए और जबरन आकाश को जमीन में घसीटते हुए उठाकर अपने मकान के अंदर ले गए, जहां आरोपियों ने आकाश को बंधक बनाकर उनके हाथ पांव को रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह बेल्ट और डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिए। हमले से युवक चीखना चिल्लाना शुरू कर दिए। वहीं आसपास के पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर दरवाज़ा खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही पड़ोसियों की पैरों तले जमीन खिसक गई। देखा युवक की हाथ पांव रस्सी से बंधा हुआ और दर्द से कहरा रहा था, जिसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों ने भड़गांव थाना को दी। मौके पर भड़गांव पुलिस पहुंचकर युवक के हाथ और पैर में बंधे रस्से को खोला। वहीं एक तरफ पीड़ित आकाश ने बताया कि आरोपी के बहन उसके भाई के साथ कहीं चली गई है, उसी को रंजिश रख कर मेरे बहन को तुम ही भगाए हो कहकर उसके घर से उठाकर उन्हें ले गया और अपने घर में बंधक बनाकर हाथ पांव को रस्सी से बांधकर डंडे और बेल्ट से पिटाई कर दिए। वो लोग मेरे घर आए थे और घर आकर मुझे ढूंढा, फिर नहीं मिला, फिर वो लोग चले गए। फिर आया शराब पिया, दादाजी का गला दबा दिया था, तो दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा नहीं खोलेंगे दादी बोली, तो बोलता है क्यों नहीं खोलोगे, दरवाज़ा तोड़ देंगे बोला। दरवाज़ा को धकेल कर अंदर आ गई, फिर मुझे उठा कर ले गए घसीटते हुए घर, अपने घर दुकान में, फिर दुकान में मुझे बांध दिया नड़ियल रस्सी से, और ये रबड़ का रस्सी था उससे बांध दिया मुझे, ठीक है। और मुझे बांस के डंडा से मारपीट किया, बेल्ट से मारपीट किया, और क्या बोलते हैं बांस के डंडे से और रबड़ से और बेल्ट से। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लोग। क्या का नाम था उन लोगों का? बिक्की मीरी, अभिषेक मीरी, निखिल, दीपक, खिलेश। आपको किस नाम से वहां ले जाके मारा गया? मेरे बहन को भगाया बोल के मुझे मारपीट किया, 1 महीने 10 दिन हो गए और आज मुझे मारपीट कर रहे थे लोग। दूसरी ओर भटगांव TI देशमुख की माने तो 5 आरोपियों को पकड़कर थाना लाया गया है, जिसमें 3 नाबालिग शामिल हैं, जिसमें 2 मुख्य आरोपी विक्की मीरी और अभिषेक मीरी हैं, जिसके प्रति जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि देशमुख के द्वारा 3 नाबालिग शामिल होना बताया गया, लेकिन 3 नाबालिग के प्रति किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उन्हें छोड़ दिया गया, जो समझ से परे हैं। दिनांक 8/9/19 के दरमियानी रात ग्राम चुरेला के एक ग्रामवासी का फोन आया। उसने बताया कि मेरी परिवार के लड़के लोग आकाश कुमार अनिल वो घर में बंधक बना लिए हैं और बेदम पिटाई कर रहे हैं, और लड़का बहुत चिल्ला रहा है। तो इस सूचना पर स्टाफ लेकर मैं चुरेला गया, तब तक बस्ती वालों के कहने पर उन लोग दरवाज़ा खोल चुके थे। आकाश कुमार अनिल हाथ पैर बंधा हुआ था, विक्की मीरी के घर में कमरा में था, वहाँ पर बताया कि उसको घर से घसीटते लाकर और कमरे में बंद करके पीटे हैं। सर, किस वजह से उनके साथ में मारपीट किए हैं, क्या कुछ मामला सामने आया है? कुछ दिन पहले विक्की मीरी की बहन आकाश के भाई के साथ चली गई, जिसको जिसकी रिपोर्ट पर गुम इंसान कायम की मालिक
नाबालिग लड़की है, उसी रंजिश पर से आकाश के साथ मारपीट की है। सर, मारपीट करने वाले में कितने थे आरोपी, कितने थे? आकाश ने 5 आरोपी का नाम बताया है, जिसमें विक्की मेरी है, पवन मेरी है, पप्पू उर्फ अभिषेक मेरी है, और 3 लड़के नाबालिग हैं। आरोपी के प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है? उसमें अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं और सबकी गिरफ्तारी करेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से धारक के प्रति कार्रवाई है? उसमें लगा है 452, 365, 342, 147, 323।